माइक चेक 1 2 3 चेक। ऑलराइट आरसी जी, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में सारी दुनिया घरों के अंदर है, लेकिन आरसी जी अपना काम बैक टू बैक धीरे धीरे हम देख रहे कर रहे हैं, डबिंग कर रही है, आप तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि क्या है ये, क्या शो आने वाला है, क्या धमाका करने वाली है लॉकडाउन के बाद? एक्चुअली शो पहले ही स्टार्ट हो जाता, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया और हमको भी कोरोना की वजह से हमें सबको अंदर घर पर रहना पड़ा, तो डेफिनेटली अब शोज़ अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो सारे काम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरा वेब सीरीज़ एक शो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो आने वाला है, और बहुत कॉमेडी है, और जैसी मैं बिग बॉस में थी छलनी टाइप की, एंड वैसी एक क्रिश्चियन लड़की है, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा, मतलब मुझे देखकर मज़ा आया। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब आप खुद उस कैरेक्टर को करते हो और अगर आपको फील आ रहा है कि वाकई में मज़ा आ रहा है, तो फिर पब्लिक को भी मज़ा आएगा, पक्का है। एंड रहा सवाल लॉकडाउन का, तो फिर मैं अपने घर गई और मैं 6 महीने तक लॉकडाउन था, और अपनी फैमिली के साथ 4-5 साल के बाद वक्त गुजारा, खूब अच्छा खाना खाया, दैट्स इट, और अब वेब सीरीज शूट स्टार्ट। तो कुछ जरा बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन में सारी दुनिया अपने घर में थी, क्या कुछ नया सीखा आरसी जी ने अपने घरों में रहकर? बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने घर में, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, बहुत सारी चीज़ें जो बिग बॉस में किया करते थे, और यहाँ भी बहुत मज़ा आया घर के अंदर, रोज़ झाड़ू लगाओ, रोज़ पोछा लगाओ, और खाना बनाओ अपने लिए खुद, बिकॉज सर्वेंट ऊपर नहीं आ पा रही थी। और जब घर गए तो फिर वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, और देखो गाल वाल निकल गए आराम से, हेल्दी खाना खा खा के घर का, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। एंड जैसा कि इन दिनों हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जो है दुनिया जो है बदल चुकी है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें चल रही है, किसी के ऊपर ड्रग्स की बात चल रही है, एंड किसी को बदनाम किया जा रहा है, कंगना रनौत हम देख रहे हैं जिस तरह से धड़ल्ले से बात कर रही है ना, पायल घोष का लेटेस्ट, कैसे देखती है इन सारी चीज़ों को? पहले तो वन बाय वन ड्रग्स की बात करेंगे, जिस तरह से ड्रग्स का वन बाय वन लोगों का नाम आ रहा है, एज एन सेलिब्रिटी कैसे देखती हैं? देखिए, ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर आना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम आए, दीपिका का नाम आया है, रकुल का नाम आया है, श्रद्धा का, सारा का, बहुत सारे लोगों का नाम आया है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग और मेरे दिमाग पे जो हिट किया ना, वो चीज़ थी कि दीपिका का जो लैंग्वेज था, लोकल लैंग्वेज, माल है क्या? वो मेरे लिए बहुत हिट कर गया, बिकॉज ठीक है आप वो कर रहे हो, ड्रग्स कर रहे हो, जो भी है, लेकिन दीपिका ने जो लैंग्वेज यूज़ किया ना, माल है क्या, वो ज़बरदस्त लगा मुझे, बड़ा लोकल लैंग्वेज था। बट लेट्स सी, अब देखते हैं, हम एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, और मैं जो एनसीबी ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा उसी के ऊपर मैं बिलीव रखती हूँ, मैं स्पेकुलेशन, रूमर्स, ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती, तो देखते हैं। और इन सब ने तो उल्टा सुशांत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था, तो अब देखो, अब इन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अब लेट्स सी अब एनसीबी क्या स्टेटमेंट देगा, विल वेट फॉर दिस, बट आई लव दीपिका, योर लाइन माल है क्या? मतलब क्या कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से, जैसा कि जो लाइन आपको पसंद आई, माल है क्या, माल लेना जरूरी हो गया, हो जाता है एक्टर की लाइफ में? आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो, अगर कोई मुझसे बोले कि आपको एनसीपी की जांच करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आई एम रेडी फॉर दिस, लेकिन होता है सबका अपना अपना एक ग्रुप रहता है, अपना सर्किल रहता है, लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, 80% लोग ड्रग्स के अंदर हों या फिर शराब में हों तो वो उनका है, लेकिन 20% लोग ऐसे नहीं हैं। मैं भी वाइन पीती हूँ, मैं अगर किसी पार्टी में जाती हूँ तो 2-3 पैक तो मेरे वाइन के रहते ही हैं हमेशा, रेड वाइन के, लेकिन मैं कभी ड्रग्स नहीं लेती, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% सिर्फ ड्रग्स के बाद ही एक्टिंग में दे पाऊंगी। ये एक इंसान की सोच है, एक उसने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि शायद हो सकता है ड्रग्स लेने से मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, बट मेरे लिए नहीं। जी जी, एंड और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि कंगना रनौत जिस तरह से सेलिब्रिटी को टारगेट करती है, हर एक चीज़ में वो अपना इन्वॉल्व लेती हैं,
कैसे देखते हैं कि एक एक्टर को हर किसी की लाइफ में इस तरह से ताक झांक करना, हर किसी के बारे में स्टेटमेंट देना, अरे वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो तो ऐसा ही है, कितना एक सेलिब्रिटी को इस तरह से हर किसी की लाइफ में ऐसे ट्वीट करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ हजारों सारे आपके फैंस फॉलोइंग होते हैं, इस तरह से करना कितना अच्छा या कितना बुरा मानती है अर्शी? देखिए, कंगना जब स्टार्ट हुई थी तो मैं भी उसके साथ बहुत अच्छे से थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, नेपोटिज्म ग्रुपिज्म के बारे में बोला, लेकिन धीरे धीरे कंगना रनावत अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने लगी, लोगों से लड़ाई झगड़े निकालने लगी, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, चाहे मुंबई को पोक कह देना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यू नो गाइस आई नो वेरी वेल, बट मैं उसको नहीं बताना चाहती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। उसका मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मुझे मीडिया से भी ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि अगर उसको हराम खोर बोल दिया तो वो देश की बेटी बन जाती है, करेक्ट, और अगर उर्मिला मातोंडकर को वो या तो ग्रेड की बात करती है, कि पहले ये बात करती थी कि लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने फ्लॉप एक्टर कहकर मार दिया मार दिया, अब तुम क्या कर रही हो, तुम जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उर्मिला मातोंडकर वो जन्म भी नहीं ली होंगी तब से वो इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनको उन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल दिया, बी ग्रेड आर्टिस्ट बोल दिया, तो मुझे इसकी ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पर्सनल ग्रजेस बहुत निकालती है, जैसा अब अपनी बात करती है तो अपनी बात में वो अपने आप को देश की बेटी साबित कर देती है, या फिर अभी ये फार्मर प्रोटेस्ट में उसने फार्मर के लोगों को उसने टेररिज्म का टेररिस्ट करेक्ट बोल दिया है, तो वो क्या बोलती है क्या करती है मुझे समझ में नहीं आता, मुझे थोड़ा सा उसका दिमाग आई डोंट नो, लेकिन वो अपने जब अपने ऊपर आती है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो देश की बेटी कैसे हो जाती है, क्या उर्मिला मातोंडकर देश की बेटी नहीं है? उर्मिला मातोंडकर के बारे में उसने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे डाले, अगर कोई और अगर उसके साथ ऐसा कर देता तो वो हल्ला मचा देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आई डोंट लाइक, इस वे में मैं उनको पसंद नहीं करती। बाकी सुशांत के लिए जो किया उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी जो वो पर्सनल ग्रजेस और पॉलिटिकल लेवल पे लेकर जा रही है वो गलत है। जी, जैसे कि आपने ये पाकिस्तान की बात की, उसके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पायल घोष जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है कि उन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर उन्होंने टारगेट किया कि ये मतलब, तो आप बताइए कि आपके कौन सही, हालांकि आज के टाइम में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कौन सही बोल रहा है। देखिए, पायल घोष बहुत टफ हो गया, मतलब कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ऐसे जज करना बहुत टफ हो गया, तो आपके अनुसार कौन सही है? देखिए, मैं हमेशा से जो रेप विक्टिम है उनके साथ, हम ही क्या सभी साथ देंगे उनका, उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं बिलीव करती हूँ कि एविडेंस हैं, ऑफिशियल जो भी चीज़ें हैं, मैं स्पेकुलेशंस जैसा मैंने पहले बोला इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, अगर पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन करती उसके बाद ही मैं अनुराग कश्यप को एक रेपिस्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि किसी के ऊपर रेप का टैग लगना बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मैं पायल घोष को, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर बताई हैं, और मेरा मानना यह है कि अगर कोई रेप विक्टिम होता भी है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, ये नहीं कि ट्विटर के ऊपर आपने लिख दिया और पीएम मोदी को टैग कर दिया है और सारी चीज़ें आप खुलकर बता रहे हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अगर किसी के साथ ऐसी कोशिश की जाती है, हैरेस किया जाता है, तो वो इतना ज़्यादा दिमाग से वो हो जाता है कि भाई क्यों किया ऐसा क्यों किया, बट उसके बाद मैडम पीएम मोदी को टैग करती है ना कि पुलिस के पास जाने से उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, तो पीएम मोदी को टैग करने से बेस्ट था कि वो पुलिस के पास जाती और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने जिप खोला, ये किया वो किया, जो पूरी बातें खुलकर वो बता रही है। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये लगी कि वो बहुत अच्छी अच्छी अभिनेत्रियों के नाम भी लिए उसने, जैसे हुमा कुरैशी है, रिचा चड्ढा है, या फिर माही गिल है, कि ये लोग उन खूबसूरत नहीं है और इन्होंने सो कर काम किया है। आई डोंट थिंक सो, हुमा कुरैशी इज़ वेरी टैलेंटेड, रिचा चड्ढा बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी मूवीज़ करती हैं, हुमा की गैंग्स ऑफ वासेपुर उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, माही गिल, तो ये मुझे लगता नहीं है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए, सी लाइक कंगना अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है, तो अपनी अपनी बात करना चाहिए, और मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम लेकर आप ये कोशिश कर रहे हो पब्लिक को दिखाने की कि वो सो कर काम हासिल करते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो टैलेंटेड है और अपने
काम जो भी उन्होंने हासिल किया अपने टैलेंट पे किया। जी जी एंड ऑलराइट, इसके अलावा जैसा कि बिग बॉस की अगर हम बात ना करें तो आई थिंक बेवकूफी होगी, लेकिन जिस तरह से सलमान खान जी को टारगेट किया जा रहा है कि ये जो है सिर्फ स्टार किड को ये भी चांस देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, इस बार का जो बिग बॉस है बायकॉट किया जाना चाहिए, हम नहीं देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या मानती है कि कुछ इस बार का इफेक्ट पड़ने वाला है बिग बॉस? बोलने दो, बोलने वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि सलमान के शो को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली पब्लिक कंटेस्टेंट को देखती है 6 दिन तक, और एक दिन देखती है वीकेंड का वार, वो भी सलमान खान को, सॉरी 2 दिन देखती है सलमान के वीकेंड के वार को। मैं सलमान से पर्सनली मिली हूँ, मैंने, हम लोगों ने बहुत वक्त गुजारा है बिग बॉस के अंदर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सलमान बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंदा है कि लोगों की बैंड बजा दे और लोगों की वाट लगा दे, ऐसा वाला बंदा नहीं है। उसने मुझे भी बहुत चीज़ें समझाई इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसे ऐसे जैसे पहले थी आप अब नहीं रहना है, क्योंकि आप एक लेवल पर आ गए हैं, आपको अच्छे से काम करना है। और रहा सवाल स्टार किड्स का, देखिए सब अपनी फैमिली के लोगों को आगे लेकर आते हैं, और ऐसा नहीं है, लेकिन आउटसाइडर टैलेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे घर में अभी बैठे हुए हैं, जिनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन आउटसाइडर आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ये सब आए हैं और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और सुपरस्टार बन के बैठे आउटसाइडर से। तो मेरा ये मानना है कि टैलेंट लास्ट में टैलेंट ही आता है और वो ही आगे लेकर जाता है। सलमान खान का मुझे नहीं लगता कि ये लोग कितना भी ट्रोल करें, सलमान खान का नाम ख़राब करें, मैं इविडेंस पे बिलीव रखती हूँ। अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं, प्रूफ हैं, तो सामने लेकर आओ कि सलमान ने सुशांत के साथ ऐसा किया। वही र्यूमर चल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, मेरे ही पूरे इंस्टाग्राम को गंदी गंदी गालियों से भर दिया है इन लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता, सलमान के हेटर्स से ज़्यादा उसके फैंस हैं और उसको वीकेंड के बार पे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। उसको प्यार करने वालों की मुझे नहीं लगता है कमी है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, ये कितना भी करने की कोशिश करे, कितना भी फेक ट्रोलिंग करवाने की कोशिश करें, उसके इंस्टा के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ बकते रहें, मुझे नहीं लगता कि उसके बिग बॉस पर असर पड़ेगा। देखिए इस बार कंटेस्टेंट जो भी आएंगे, देखिए इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कितने स्ट्रॉन्ग है। हमारा सीजन हिट गया, BB12 फ्लॉप गया, BB13 हिट गया, तो डिपेंड करता है कंटेस्टेंट कैसे हैं। सलमान अपना वीकेंड का वार जैसा करना है वैसा ही करेंगे, लेकिन जो 6 दिन 5 दिन चलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पब्लिक कनेक्ट होती है, अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो लेट्स सी, देखिए एक्स कंटेस्टेंट मैंने सुना है कि बिग बॉस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो आते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक अपने सपोर्ट जो कंटेस्टेंट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वो सिर्फ आते हैं, राय देते हैं और अपना मशवरा देते हैं, मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं, उन निकलते चले जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे गेम पलटना है, मुझे ना बैंड बजानी है, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, लेकिन है ना अभी वहाँ पर, ठीक है, अच्छा कर रही है, माँ बनी है, बेटी बनी है, जो भी है ना वहाँ पर, मुझे गेम पलटने का शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने इसके साथ ऐसा किया तो क्यों ना टर्न कर दो टेबल को और इसकी बैंड बजवा दो। तो ये आना चाहिए, ये ट्विस्ट आना चाहिए। तो इस बार ऐसे वाइल्ड कार्ड के जरिए RCG जाकर ऐसे किसी की पर्सनली ऐसे किसी की बैंड बजाना चाहती है? बिल्कुल, कलर्स बुलाएंगा तो हम ज़रूर जाएंगे, उन्होंने हमें बनाया और हम हमेशा उनके लिए साथ खड़े, लेकिन मैं ऐसे मशवरे के लिए नहीं जाऊंगी। जैसे वीकेंड के वार पे वो जो पॉज दे देते हैं या फिर रोबोट बना के खड़ा कर देते हैं और आप जाकर उनको बातें सुना देते हैं, आई डोंट लाइक इट। मुझे बात सुनाना भी है और उसकी बात सुननी भी है, वो चाहता क्या है और मैं उसको क्या करवाना चाहती हूँ वो करवाना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं एक लाइक सेलिब्रिटी की तरह जाऊँ, अपने आप को दिखाऊँ और जाकर बातें करूँ, तुमने ये किया तुमने वो नहीं, तुमने ये गलत किया तो तुम्हें भी और गलत करो और करके दिखाओ इसके साथ अच्छी अच्छी जो भी चीजें करनी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जी जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि जब सारी दुनिया कहे RCG को तो समझ में आता है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग RCG को कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से, मैंने भी देखा, मैंने भी सुना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब ऐसे लोग कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? या सोशल मीडिया पे भी मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था कि आप अफगानिस्तान से आई हैं, पाकिस्तान से हैं, आप यहाँ पर क्यों रहती हैं,
मैं ऐसे लोगों को सिर्फ जाहिल बोल सकती हूँ, गवार हैं, कम दिमाग हैं, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लिया, कुछ भी कर लिया। देखिए, मैंने हमेशा से ये बोला है कि हमारा मुल्क जो है वो इंडिया है, हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, हमारे अब्बा अम्मा सब इंडियन है, लेकिन हमारा ख़ानदान अफ़गानिस्तान का पठान है, यूसुफ ज़हीर पठान है। तो मेरी फैमिली के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, सऊदी में भी रहते हैं, लेकिन मैं इंडियन हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे पाकिस्तान से नफ़रत है, मुझे अफ़गानिस्तान से नफ़रत है। भाई क्यों नफ़रत है? वो लोग हमें मैसेज करते हैं कि हमें आपके बॉलीवुड्स में शाहरुख बहुत पसंद है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं उनको पलट के गाली क्यों दूँ? वो अगर हमें रिस्पेक्ट देते तो हम उनको रिस्पेक्ट देते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, पहले ये देश तो एक ही था ना, फिर अलग अलग हो गया, हमारे भी दादा मादा सब परदादा वहीं के हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफ़रत करूं और उनको गालियां दूं। और नेशनल टेलीविज़न पे कुछ बेवकूफ़ लोग बैठकर बोलते हैं कि अर्शी खान ने पाकिस्तान का झंडा लगाया था। मैं उन बेवकूफ़ लोगों को ये बता दूं कि वो झंडा जो भी था वो एक फ़िल्म का शूट था जिसको एक पोस्टर के लिए बनाया गया था, और वो पोस्टर रिलीज़ किया उस बंदे ने, और प्रोड्यूसर ने मूवी नहीं बनाई। तो आर्टिस्ट के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूँ, अफ़गानिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूँ या इंडिया को करूँ, वो अलग चीज़ है और उसमें आर्टिस्ट का कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट सिर्फ पैसा ले रहा है। और जब आप एक शुरुआती दौर के अंदर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको लगता है कि यार चलो चांस मिल रहा है कर डालो, शायद हो सकता है आगे और अच्छी चीज़ें मिले। तो वही था, और उसके अलावा ऐसा नहीं था कि मैं पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूं या फिर इंडिया को करूं। और सब जानते हैं यार कि मैं इंडियन हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ, मेरे चेहरे से क्या मैं इंडियन नहीं दिखती? क्या दिखती हूँ मैं चेहरे से? अफ़गानिस्तानी पाकिस्तानी दिखती भी हूँ तो क्या है अभी, क्योंकि खून तो सबका चलता, मतलब जो हमारी ब्रीड है वो बाहर की है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूँ प्योर हिंदुस्तानी। मैं अपने फैंस से यही कहूँगी कि ये जो बेवकूफ़ लोग हैं जो ट्रोल करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, उनको इग्नोर करो, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही करने आए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए आए, तो बैक ज़्यादा उनसे बकवास करने की या फिर उन लोगों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो करना है वो करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। अच्छा।